हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जीएस। शिवशंकर जीके जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का टॉपिक में चल रहा था शायद 12 या 11 मॉडल सेट हो चुका था। आज आपका मॉडल सेट से ही बायोलॉजी से है और जो पैरामेडिकल लेटरल एंट्री का फॉर्म भरा है उसका एग्जाम 11 अक्टूबर को होने वाला है। जी हाँ, पैरामेडिकल का एग्जाम लेटरल एंट्री वालों को 11 अक्टूबर को होने वाला है। लेटरल एंट्री सब हड़बड़ा गए हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं ना, जिनका एंट्रेंस एग्जाम है उनका नहीं है, लेटरल एंट्री वाले पैरामेडिकल वाले। लेटरल एंट्री में होता है जैसे में कोई पीएमडी किया हुआ, मान लीजिए पीएमडी कर लिए हैं और पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो पीएम वो लेटरल एंट्री हुआ होता है कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, और एंट्रेंस एग्जाम में होता है कि डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है। तो एंट्रेंस एग्जाम जितने भी भरे उनका डेट नहीं है, नवंबर के अंतिम महीना तक एग्जाम होने की संभावना है एंट्रेंस एग्जाम वालों को, जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भरे हैं। और जो एली भरे हैं ना, DCCLE यानी डिप्लोमा कम्बाइंड लेटरल एंट्री, उनका 11 अक्टूबर को है। तो लेटरल एंट्री बहुत कम लोग भरते हैं जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन किन का होता है, जो पैरामेडिकल किए हुए हैं, पीएम किए हुए हैं या आईटीआई किए हुए हैं। तो जो आईटीआई किए हो रहा था उसको पॉलिटेक्निक में सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और जो पीएमडी कर रहता है ना उसको पीएम यानी पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में मिल जाता है। तो उनके लिए है, एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए नहीं। जो और जो बाकी सब पढ़ रहे हैं आराम से पढ़िए, नवंबर में आप लोग का एग्जाम होगा, टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है एंट्रेंस एग्जाम वाले। चलिए देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण पहला क्वेश्चन है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, सब लिखते जाइएगा, आप लोग का फिजिक्स का न्यूमेरिकल चलेगा। एक दो दिन के बाद या अगले सप्ताह से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दे, फिजिक्स का स्टार्ट बहुत जल्द होगा। चलिए, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, एक बात याद रखिए, राइबोसोम, और कहीं कहीं लिख देगा राइबोजोम, तहड़वा मत जाइएगा, राइबोसोम राइबोजोम एक ही होता है। और राइबोसोम को सब कोई जानता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। क्यों श्वसन से, कोशिका में श्वसन का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। उसके बाद कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसीलिए याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह, पावर ऑफ सेल यानी ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए, उसके बाद पादप कोशिका में डीएनए, पादप कोशिका में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पादप कोशिका में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिए, पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने, ये दोनों वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन अलग वैज्ञानिक और स्वान अलग वैज्ञानिक है, ये दोनों मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीपी यानी एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी का ऊर्जा का निर्माण किसको बोलते हैं, तो एटीपी क्या है, ऊर्जा ही है, एटीपी ऊर्जा होता है, ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा। पिछले क्लास में भी बताया तो हाइड्रोफोबिया बता रहे थे कि हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ता के काटने से होता है, कुत्ता के दांत में विषाणु पाया जाता है, हाइड्रोफोबिया आपका, और हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है विषाणु, विषाणु द्वारा, याद रखिएगा, वायरस द्वारा। चमगादड़ मैमेलिया वर्ग का प्राणी है, चमगादड़ जो है मैमेलिया वर्ग में आता है, क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देता और दूध पिलाता है, यानी जो जीव बच्चे को जन्म, बच्चा जन्म दे, अंडा ना दे, अंडा तन जन्म देगा तो अंडो उस सर्व प्राणी में आ जाएगा। फिर आपका चमगादड़ मैमेलिया में आता है क्योंकि बच्चे जन्म देते हैं और बच्चों को अपने स्तन से दूध पिलाते हैं। उसके बाद है कि लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल है, लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल, कौन सा,
एरिल खाते हैं। उसके बाद शकरकंद में याद रखिएगा कि शकरकंद में भोजन स्तंभ में संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन क्या बोल रहा, शकरकंद में भोजन स्तंभ में संग्रहित रहता। स्तंभ मतलब समझते हैं, ये आपका शकरकंद जो होता है ना, ये स्तंभ होता है और इसी स्तंभ में भोजन क्या होता है, संग्रहित रहता है। उसके बाद हल्दी का खाने वाला भाग होता है प्रकंद। हल्दी का खाने वाला भाग क्या होता है, प्रकंद होता है। उसके बाद है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक, मानव त्वचा या हम लोग का जो त्वचा है इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो पाया जाने वाला वर्णक है मेलानिन। याद रखिए कौन क्या चीज पाया जाता है इसमें, मेलानिन पाया जाता है। उसके बाद है कि जराविक साथ, जराविक साथ याद रखिएगा, जराविक सेवन साथ कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था, कृत्रिम हृदय जिससे कि आदमी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं उसके लगाने पर, तो उस हृदय का नाम है रखा गया था, जो कृत्रिम हृदय बनाया गया उसका नाम रखा गया जराविक साथ। याद रखिएगा जराविक साथ एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है जिसका नाम जराविक साथ है। उसके बाद दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो दोहरा निषेचन आवृत बीजी पौधा में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी पौधा में दोहरा निषेचन होता है। और सब लिख लीजिएगा, एक को क्वेश्चन छोड़िएगा मत, चार बार पांच बार वीडियो देखिएगा, सुन लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, उसके बाद आगे है कि सिथिलिस ट्रिपोनीमा, सिथिलिस ट्रिपोनीमा पाइलिडम द्वारा फैलता है, यानी सिथिलिस जो बीमारी है, सिथिलिस जो रोग है वो ट्रिपोनीमा पाइलिडम द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, भोजपत्र, एक बात ध्यान दीजिएगा, सब लिख लीजिएगा दोस्त, अगर लिखने में कोई दिक्कत है लिखिएगा ना, एक बार तो याद होगा, वीडियो देखिएगा तब एक बार याद होगा, दो बार वीडियो देखिएगा सुनने से ज्यादा याद होगा ना। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, भोजपत्र सब कोई जानता है, कहते हैं हम पुराने जो व्यक्ति हैं बुजुर्ग लोग वो बोलते हैं कि भोजपत्र पर भगवान लिखते थे, जैसे हम लोग आज कॉपी पर लिखते हैं उसी भोजपत्र पर भगवान लिखते थे, ये बुजुर्गों का कहना है, दादा दादी आपके घर में होंगे तो वो बताएंगे। तो भोजपत्र जो है किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, तो बेट यूला, याद रखिए किस पेड़ की छाल से, बेट यूला। उसके बाद है कि अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि यानी हड्डी में क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ओसिन प्रोटीन तो पाया जाता है अस्थि हड्डी में, लेकिन साथ में कैल्शियम और फास्फोरस भी हड्डियों में पाया जाता है। मुर्गा खाए हैं, मुर्गा मुर्गा देखते हैं, मुर्गा जो खाते हैं ना तो उसकी जो कांटा हड्डी होती है ना उसको दांत से चबाते हैं तो चबाने के बाद फटता है, उसमें देखते हैं ब्लैक ब्लैक का एक पदार्थ निकलता है जिसको आज खाने में भी अच्छा लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो फास्फोरस और कैल्शियम होता है। चलिए आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीज को, कृत्रिम गर्भाधान मतलब कृत्रिम रूप से किसी भैंस को या गाय को गर्भधान करने के लिए यानी गर्भवती बनाने के लिए बीज को सुरक्षित रखा जाता है, यानी द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। बीज मतलब होता है कि स्पर्म, यानी देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीज को, तो सांड के बीज नहीं मतलब किसी भी मनुष्य के बीज यानी स्पर्म को भी तरल नाइट्रोजन द्रव में सुरक्षित रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मूरे ने किया, किडनी का प्रत्यारोपण यानी किडनी का अपने किडनी को निकालकर दूसरे में किडनी लगाना, यानी किडनी का प्रत्यारोपण हो गया है, मतलब एक व्यक्ति से किडनी निकालकर दूसरे व्यक्ति में लगा देना किडनी का प्रत्यारोपण कहलाया, तो किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मूरे ने किया था। उसके बाद है कि लेटराइड मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है, लेटराइड मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है, ध्यान रखिए लेटराइड मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन एवं लिपिड का, याद रखिएगा प्रोटीन और लिपिड का बना होता है कोशिका झिल्ली।
उसके बाद है कि फ्लोएम भोज पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। क्या करता है कि फ्लोएम जो है पेड़ पौधे में, फ्लोएम का क्या कार्य है कि ऊपर जो भोजन पत्ती में बन गया उसको पूरे शरीर से लेकर के, यानी पूरे पेड़ के तना से लेकर के जड़ तक पहुंचाएगा, यानी भोज पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। तो पेड़ पौधा का जो बाकी तन हो गया क्या हो गया, एक प्रकार का शरीर ही हो गया ना पेड़ पौधा का। तो उस जो पत्ती में भोजन बनता है उसके तना से पूरे जड़ तक पहुंचाना फ्लोएम का काम रहता है भोजन को। और जाइलम का कार्य क्या है कि जाइलम जल खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। यानी जाइलम जो है, जाइलम के क्या कार्य है कि जाइलम जड़ से जल लेता है खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक, मतलब कि भोजन बनाने के लिए जल खनिज लवण जितना मिट्टी से ले जाता है पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है, और भोजन पक जाने के बाद जड़ तक पहुँचाने का कार्य फ्लोएम करता है। उसके बाद है कि एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन गैस जो है फलों को पकाने में सहायक होता है, और देखते हैं फल पक जाता है तो उसके बाद धमकता है कैसा, एथिलीन के जैसा। उसके बाद है कि सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, साइकस में, यानी साइकस के पौधा में बहुत बड़ा बीजांड होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बायोलॉजी का मॉडल सेट, और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।